इस समय हमारे साथ उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल जी हैं। आइए उन्हें से बात करते हैं। आशुतोष जी, न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। अगर हम चारधाम प्रोजेक्ट की बात करें, खासतौर पर जो उत्तराखंड में एक घटना हुई जिसमें ऊपर से पहाड़ से कहा जा रहा है कि डबरी जाई, साथ ही साथ बर्फ़ आ गई और एक बड़ी दुर्घटना हो गई वहाँ पर, उसके तत्वाधान में क्या कहेंगे कि चारधाम परियोजना पर जो काम चल रहा है उस पर क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, जब भी इस तरह के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट जो कि बहुत सेंसिटिव जियोलॉजी से पास करते हैं, वो जब प्लान करे जाते हैं तो बहुत एक्सटेंसिव जियोलॉजिकल स्टडीज़ करी जाती है। वो फाइनल लोकेशन सर्वे में ही ये सब स्टडीज़ करी जाती हैं। तो ये स्टडीज़ करी जा चुकी हैं, लेकिन यदि इस दुर्घटना के बाद यदि कुछ नई जानकारी मिलती है या कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो मुझे आशा है कि अवश्य हम उनको संज्ञान में लेते हुए यदि कुछ आवश्यकता हुई कुछ एडिशनल सेफगार्ड्स लेने की तो अवश्य लेंगे। अभी बहुत प्रीमैच्योर है, अभी तो 2 दिन पुरानी दुर्घटना है, तो अभी थोड़े बहुत समय में यदि कुछ आती है कुछ इस तरह की जानकारी तो अवश्य हम उसका संज्ञान लेते हुए यदि आवश्यकता हुई तो अवश्य कदम उठाएंगे। सर, चारधाम परियोजना के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि ये अभी की क्या स्थिति है और कितने दिनों में पूरी हो जाएगी और कितना पैसा रेलवे मंत्रालय ने दिया है? चारधाम प्रोजेक्ट को की अनुमानित लागत लगभग 16,700 करोड़ है, उसमें से 4,200 करोड़ इस साल आवंटित किए गए हैं और ये प्रोजेक्ट RVNL एग्जीक्यूट कर रहा है और उनकी टेंटेटिव टाइम फ्रेम जो है उसके हिसाब से दिसंबर 24 में वो इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस प्रोजेक्ट में जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं संक्षेप में आपको बताता हूँ। ये डोईवाला एक स्टेशन है जो ऋषिकेश से पहले पड़ता है और वहाँ से शुरू होकर ये लाइन आगे जाएगी उत्तरकाशी, वहाँ पे इसे कनेक्टिविटी देगी गंगोत्री और यमुनोत्री को, फिर आगे जाएगी ये और फिर ये कनेक्टिविटी देगी केदारनाथ और बद्रीनाथ को। तो जो अति महत्वपूर्ण स्थान है ये सब इससे कनेक्टिविटी हो जाएगी, चारधाम यात्रा जो अभी बहुत डिफिकल्ट होती है वो सुगम हो जाएगी। सर, जब हम गढ़वाल और कुमाऊं की बात करते हैं खासतौर पर उत्तराखंड में, तो गढ़वाल का जो पूरा हिमालय है वो चूना पत्थर है और वहाँ लैंडस्लाइड बहुत आम बात है। बड़े उस वहाँ पर पॉइंट्स हैं जहाँ पर हमेशा लैंडस्लाइड होती है, तो उसको लेकर क्या इसमें जो है कुछ चीज़ें शामिल की जाएं? देखिए, जहाँ तक जियोलॉजिकल इश्यूज़ का सवाल है, कोई भी प्रोजेक्ट जब डिज़ाइन होता है तो वो सारी जियोलॉजिकल इश्यूज़ की स्टडीज़ को एक्सपर्ट्स करते हैं और उसके बाद ही इसमें इनकॉर्पोरेट होता है। तो ये सब जो भी जियोलॉजिस्ट ने जो रिपोर्ट दी होगी वो इसके प्रोजेक्ट की प्लानिंग में और डिज़ाइनिंग में वो सब एस्पेक्ट्स कंसिडर किए जा चुके हैं। आप यदि, जैसा मैंने आपको पहले बोला, यदि कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो उनको अवश्य संज्ञान दिया जाएगा, उनको ध्यान में रखा जाएगा। सर, इसका DPR तैयार हो चुका है? इस योजना का फाइनल लोकेशन सर्वे वगैरह हो चुका है, अभी तो इसमें अभी DPR तैयार नहीं है? नहीं, DPR तो पहले हो गया, तो असाइन, तो प्रोजेक्ट अलॉट हो चुका है इसको। तो इसकी टाइमलाइन क्या है, कब तक कंप्लीट? दिसंबर 24 तक RVNL ने इंडिकेट किया है ये वो कंप्लीट करेंगे इसको। तो दिसंबर 24 तक जो है चारधाम के यात्री ट्रेन से जाएंगे। और ये सर सिंगल लाइन है या डबल लाइन? सिंगल लाइन है। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष जी जो बता रहे थे चारधाम परियोजना के बारे में। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।